वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक योर साइलेंस अफेक्टिंग देम। क्या आपके खामोशी का असर आपके पार्टनर पे है? आपके पर्सन आपकी खामोशी को लेकर, आपके साइलेंट ट्रीटमेंट को लेकर क्या सोच रहे हैं? आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है? लेट्स सी। करेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें, ठीक है? और लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, उसका नाम है डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स। मैं उसका लिंक आपको पिन कर दूंगी कमेंट बॉक्स में, ठीक है? वहाँ पे शॉर्ट रीडिंग होती है, 58 to 59 सेकेंड का एक शॉर्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे लॉन्ग रीडिंग्स होती है, वहाँ पे शॉर्ट कंटेंट होता है, तो आप उसको भी जाके वॉच कर सकते हैं। डेली बेसिस पे मल्टीपल टॉपिक्स अपलोड होते हैं। और एक न्यू चीज़ मैंने वहाँ पे ऐड करी है, फर्स्ट रीडिंग मैंने अपलोड करी है जोडियक साइन के हिसाब से स्कॉर्पियो की रीडिंग, ठीक है? अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं अपने जोड़ी साइन के हिसाब से रीडिंग देखने के लिए, तो उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो आप वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके भी उसको सपोर्ट करें, ठीक है? ओके, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। योर साइलेंस इफेक्टिंग दैम। क्या आपके पार्टनर को, आपके पर्सन के ऊपर आपकी खामोशी का क्या असर है? आपके साइलेंट हो जाने से क्या वो और फ्री हो गए हैं? क्या वो अपनी लाइफ में बिल्कुल ही बिजी हो गए हैं? क्या आपकी खामोशी उनके ऊपर किसी तरीके का भी असर है? वो सोच रहे हैं आपके बारे में? लेट्स सी, ठीक है? ओके, थिंक अबाउट योर पार्टनर। जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं, उस पर्सन को अपने माइंड में रखें, मेडिटेट करें। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर पार्टनर। थिंक अबाउट योर पार्टनर। जिस पर्सन के लिए आप ये सोच रहे हैं, क्या वो पर्सन आपकी खामोशी से परेशान है या नहीं? क्या आपके, योर साइलेंस अफेक्टिंग दैम। क्या आपकी खामोशी का असर इस पर्सन पे है? मून यहाँ पर, सेवन ऑफ पेंटिकल। आप लोग के बीच यहाँ पर मैरिज को लेकर कुछ हुआ है, मैरिज की वजह से यहाँ पर डिस्टेंस आया है, कमिटमेंट को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, ठीक है? आप इस रिश्ते में बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं मैरिज का, कमिटमेंट का। और आपके पर्सन, जैसे कि कुछ आपके पर्सन ने या तो हाइड किया हुआ है, ठीक है, मैरिज के हवाले से, शायद फैमिली को अभी तक बताया नहीं है, या फैमिली कहीं और करवाना चाह रही है, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। यहाँ पर कोई फादर फिगर का रोल हो सकता है, ठीक है? यहाँ पर जो स्ट्रगल आपके पार्टनर को लग रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ इल्यूजन है, ठीक है? कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है, फ्यूचर क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर स्टेबिलिटी को लेकर कोई आर्ग्यूमेंट आप लोग के बीच नज़र आ रही है, मैरिज कमिटमेंट, स्टेबल स्टेबिलिटी की तरफ जाना। आप इस रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, कमिटेड होना चाहते हैं, वो चीज़ यहाँ पर स्ट्रांग नज़र आ रही है। वेटिंग एनर्जी है, वेटिंग पीरियड चल रहा है, आपने बहुत, आप वेटिंग एनर्जी पे हैं। आप इस पर्सन से, जैसे कि ये पर्सन क्या करता है, आप ये चीज़ देखना चाहते हैं, ठीक है? इसकी अप्रोच क्या होगी इस चीज़ को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, आप वो चीज़ देखना चाहते हैं, ठीक है? ओके, स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबल। यहाँ पर फाउंडेशन, कमिटमेंट, मैरिज। आप लोगों के बीच जो डिस्टेंस है कमिटमेंट और मैरिज को लेकर है, शायद बहुत टाइम हो गया इस रिश्ते को चलते हुए, ठीक है? यहाँ पर आप कमिटमेंट और मैरिज चाह रहे हैं। स्लीपलेस नाइट, आप डिस्टर्ब हैं, डार्कनेस। भाई आपके पर्सन बड़े कन्फ्यूज है, मैं आपको क्लियरली बता दूँ। ये पर्सन साइलेंट है, बात नहीं कर रहा, एक्शन नहीं ले रहा आपकी तरफ, लेकिन ये आपके साथ फ्यूचर को लेकर एक, तो इस पर्सन की कोई डार्क साइड हो सकती है, कोई अल्कोहलिक हो सकता है, कोई एडिक्शन हो सकती है आपके पार्टनर को, नेगेटिव टॉक्सिक एडिक्शन हो सकती है, ठीक है? यहाँ पर आपके पर्सन का कोई टॉक्सिक पास्ट या एडिक्टेड आपके पर्सन किसी चीज़ से हो सकते हैं, ठीक है? कुछ भी हो सकता है इसमें, बहुत डार्क एनर्जी है, डार्कनेस, ठीक है? यहाँ पर डार्कनेस है आपके पर्सन की लाइफ में, कंफ्यूज है ये पर्सन, ठीक है? इस चीज़ को लेकर, आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट को लेकर, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, और आप भी काफ़ी इल्यूजन में ही जी रहे हैं। आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही मैरिज और स्टेबिलिटी को लेकर। आप लोग के बीच साइलेंट ट्रीटमेंट यूँ हुआ क्योंकि आपके पर्सन, जैसे कि इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं दे रहे, आपको कन्फ्यूज़ करके रखा हुआ है। आप क्लैरिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं, मतलब कि बहुत टाइम हो गया, या इस रिश्ते में बहुत टाइम से स्ट्रगल रही है, या बहुत टाइम से वेट कर लिया, इस रिश्ते को बने हुए बहुत अरसा गुजर गया, अब आप चाहते हैं ये रिश्ता एक मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जाए, ठीक है? यहाँ पर आप कमिटमेंट और मैरिज की तरफ आना चाहते हैं। आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस हो सकते हैं, आपके पर्सन की लाइफ में, ये पर्सन अगर रिस्पॉन्सिबल पर्सन है तो उसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त, ठीक है? जैसे कि बहुत सी चीज़ें हैं जो उसकी लाइफ में हैं, ठीक है? आपके पार्टनर के माइंड में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, खाली मैरिज और कमिटमेंट नहीं है, बहुत कुछ चल रहा है। आपके पर्सन कन्फ्यूज है, ठीक है? इनडिसाइसिव एनर्जी में, आपको इतना बता दूं, आपको जो लग रहा है वो सही लग रहा है, जिसकी आप, जैसे कि आप फ्यूचर देख नहीं पा रहे इस रिश्ते का, इतना इतना वेट करने के बावजूद, इतना टाइम देने के बावजूद, इस इंसान को आप
देख नहीं पा रहे, आप काफी इमोशनल है इस पर्सन के लिए, आपने बहुत ज्यादा इमोशनली आपने इस पर्सन को होल्ड बैक करके रखा हुआ है, आपके इमोशंस इस पर्सन आपने होल्ड करा हुआ है, आपने इमोशंस अपना प्यार आप उसको रिलीज नहीं कर पा रहे, इन इमोशंस को इस पर्सन को मतलब के रिलीज नहीं कर पा रहे, अपने अंदर से निकाल नहीं पा रहे आप, ठीक है, साइलेंट होके अपना आप अपना प्यार दिखा भी नहीं रहे, अपने इमोशंस आप शो भी नहीं कर रहे, लेकिन आप नो कांटेक्ट में ज्यादा हैं, ठीक है, मतलब कि आप भी अपनी तरफ से अप्रोच नहीं कर रहे, आप होल्ड करके बैठे हुए, आप चाहते हैं ये पर्सन कोई डिसीजन ले, ठीक है, इस खामोशी का, इस साइलेंट एनर्जी का, या अगर मतलब क्या असर हो इस पर्सन के ऊपर, आपको कोई एटलीस्ट क्लैरिटी दे, ये क्या यहाँ पर सृष्टि का फ्यूचर क्या बन सकता है, ये पर्सन इस चीज़ को इस चीज़ की क्लैरिटी पे आए, कोल्ड हुआ हुआ है, बहुत कोल्ड, शॉर्ट टेम्पर, ब्लंट, यहाँ पर आपके इमोशंस बहुत अनकंडीशनल या ओवरफ्लो लव है आपका, ठीक है, एक अनकंडीशनल एनर्जी है, आप बहुत लविंग केयरिंग, मतलब कि आप केयर करते हैं इस पर्सन की, एक लविंग केयरिंग वाली एनर्जी है, आप एक जेन्युइन पर्सन है, ठीक है, क्लैरिफाई मून यहाँ पे किस तरीके के इल्यूजन्स हैं इस पर्सन, मैं आपको एक बार बताऊँ, आपकी खामोशी से इस पर्सन को और टाइम ही मिल रहा है, और आपके पार्टनर कन्फ्यूज हैं आपको लेकर, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम्स करे हुए आपके पर्सन ने, अगर ये इस पर्सन ने आपको स्टॉप करके रखा कि आप मैरिज ना करें, कमिटमेंट ना करें, इस पर्सन को नहीं समझ में आ रहा है आपको क्या जवाब दें, बहुत कन्फ्यूजन में है, इस पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस भी हो सकते हैं, क्लैरिफाई मून, क्लैरिफाई मून, मेरी व्यूअर के खामोशी का क्या असर है इस पर्सन के ऊपर, क्लैरिफाई मून, दी चैरियट, यहाँ पे जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट, एक ग्रे की एनर्जी, पर्सन ग्रे में खड़ा हुआ है, ना ही आपको हाँ बोल रहा है, ना ही आपको ना बोल रहा है, इल्यूजन यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा डीप डाउन और सीक्रेसी और चीज़ों को हाइड करना, हिडन रखना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना और कुछ है यहाँ पर, ठीक है, मतलब कि पर्सन आपको बता नहीं रहा, इसकी लाइफ में तो दो ऑप्शन है, ठीक है, या आपको क्लियर क्लैरिटी नहीं दे रहा, या तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो उसको यहाँ पर टावर, बिल्कुल यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने कोई कोई चीज़ आपसे हाइड करना चाह रहा है, अपनी लाइफ की कोई चीज़ आपसे छुपाना चाह रहा है, कुछ चीज़ें हाइड करना चाह रहा है, ऐसा हो सकता है फैमिली यहाँ पर इन्वॉल्व है, यहाँ पर आप एक्शन का वेट कर रहे हैं, मुझे आपकी तरफ से कैसी वाइब्रेशन है, आप यहाँ पर एक्शन का वेट कर रहे हैं, क्लैरिफाई, सेवन ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ सोल्स, ये डिफेंसिव हुआ हुआ और आप एक्शन का वेट कर रहे हैं इस पर्सन की तरफ से, ठीक है, एक वेटिंग एनर्जी, आपने इन्वेस्ट किया है टाइम, मनी, अपना इमोशंस, अपने अपना टाइम, अपना सब कुछ आपने इन्वेस्ट किया, लव, केयर, पैशन, एक इन्वेस्टमेंट आपकी हुई भी है सृष्टि में, आप दो राय पे खड़े हुए हैं, ठीक है, आपके पास आप नहीं समझ पा रहे आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, आप क्रॉस रोड पर हैं, आपको करना क्या चाहिए, किस तरीके का एक्शन, किस तरीके का स्टेप लेना चाहिए आपको, ठीक है, ओके, फोर ऑफ वैंड्स, क्लैरिफाई फोर ऑफ वैंड्स, मैंने कहा ना मैरिज की बात हो रही है, इस पर्सन ने आपको लेट गो करा है, आपके इमोशंस समेत ही आपको छोड़ कर गया है, ठीक है, इसने आपके इमोशंस की परवाह भी नहीं करी, आप कितने इमोशनल हैं, आप कितने यहाँ पर इन्वेस्टेड हैं, आप कितने यहाँ पर इस पर्सन से एक्सपेक्ट करते हैं, इस पर्सन से आपकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर मैरिज कमिटमेंट की है, इस पर्सन ने ये सब कुछ नहीं सोचा, लेट गो करा है सिचुएशन को, ठीक है, डिस्कनेक्ट करा है इस रिश्ते से, ये पर्सन डिस्कनेक्ट हुआ है, यहाँ पर दी एम्परर की एनर्जी है, ये पर्सन काफी डोमिनेटिंग पर्सन है, ठीक है, पास में सब कुछ शो कर रहा था कि ये देख लेगा इस रिश्ते को, खुद कंट्रोल कर लेगा ये रिश्ता, ये खुद संभाल लेगा, इस तरीके की एनर्जी थी, क्लैरिफाई नाइन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई नाइन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, आप बहुत स्लीपलेस नाइट में हैं, आपका आप यहाँ पर प्रैक्टिकली इस रिश्ते में मैरिज और कमिटमेंट का ऑफर चाहते हैं, आप इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, शायद आप यहाँ पर बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं इस कमिटमेंट का, इस स्टेबिलिटी का, इस मैरिज का, इस कमिटमेंट का, ठीक है, इस आप इस न्यू बिगनिंग का बहुत अरसे से इंतजार कर रहे हैं, और आप जैसे कि अब आपको अगर ये न्यूज़ मिलती है कि ये पर्सन आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट नहीं कर सकता, आप एक डिप्रेशन से गुजर जाएं, या तो आप बहुत ज़्यादा एक हार्ट अटैक एंड लॉस की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे है नाइन, ये पर्सन इन एंड आउट करता है आपकी लाइफ में, ये कहीं और भी इन्वेस्टेड है, ये कहीं और भी रहता है, ठीक है, यहाँ पे डार्क एनर्जीज, पर्सन की एक रॉन्ग एक्टिविटीज हो सकती हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, नेगेटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहना, और पैशनेट, एक पैशन, स्पार्क और एक बोल्ड कनेक्शन इस पर्सन को अट्रैक्ट करते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है अगर ये इन एंड आउट करता है आपकी लाइफ में, अगर ये प्रॉपर आपकी लाइफ में नहीं रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा है, ठीक है, जिसको आपको सोचना चाहिए, रेड फ्लैग्स हैं रिश्ते में, आप अगर सोचेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, या तो आपको अब तक क्लैरिटी मिल चुकी हो, क्योंकि शायद आप इसी वजह से एक चाह रहे हैं कि अब आप ये पर्सन आपके साथ या तो स्टेबिलिटी दे, या तो ये पर्सन आपको क्लियर करे ये पर्सन क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है, इस चीज़ का आंसर दे, क्लैरिफाई सेवन ऑफ कप्स,
डिस्टेंस है और ये आप समझ नहीं पा रही डिस्टेंस क्यों है। ठीक है, आप ये जानते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में ऑप्शंस हैं, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ हुआ है, नो कांटेक्ट हो सकता है, ये पता है एक नो कांटेक्ट वाली एनर्जी हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स, टावर। आपको कुछ ट्रुथ रिवील हुआ या तो होगा, आप साइलेंट जब हुए कि आपको सच पता चल गया, जो भी ये पर्सन छुपा रहा था ये सच पता चल चुका है। आप इसकी तरफ से, इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन, कोई मूवमेंट, कोई आप मतलब कि आप चाहते हैं इसको, इसने जो किया है, इसने जो आपको चीटिंग, लाइंग, बैक स्ट्रैपिंग, या किसी और को डेट किया, या किसी और को लाइफ में आपको भी रखा, किसी और को भी रखा, या आपको कंपेयर किया किसी के साथ, इसने ऐसा हो सकता है आपको कंपेयर किया, आपने कुछ इसका सच आपको मालूम हुआ या आपको सच पता चला इस पर्सन का, कोई थर्ड पार्टी जरूर इन्वॉल्व थी, तभी आपने अपने इमोशंस को होल्ड करा है, तभी आपने आपको इमोशनली ओपन अप नहीं कर पा रहे, इमोशनली आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे, मतलब कि आप लोग इमोशनली कनेक्टेड नहीं है अभी। ठीक है, आप अपने इमोशंस इस पर्सन को नहीं बता रहे, जो आपको ट्रुथ और जो आपको सच समझ में आया हुआ, आप उसकी वजह से आप बहुत डिस्टर्ब है। स्ट्रेंथ की एनर्जी, आपने खुद को होल्ड बैक करा हुआ है, आपने खुद को कंट्रोल में, अपने पैशन को, अपने लव को, अपने केयर को होल्ड करा हुआ है, आप नहीं चाह रहे कि आप इसकी तरफ अप्रोच करें, इसकी तरफ मूवमेंट करें, इसकी तरफ आप किसी तरीके का एक्शन लें। ठीक है, यहाँ पर आपको लग रहा है कि अब आप जो कर सकते थे वो आपने किया है इस रिश्ते में। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी ईगोस्टिक हुआ हुआ है, इसका ईगो, इसका एक अथॉरिटिव नेचर आपको डिस्टर्ब कर रहा है, ये सिंगल शो कर रहा है, इंडिपेंडेंट शो कर रहा है, फाइनेंसिस पे वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, अपना अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहा है, आपको लग रहा है इसको कोई फिक्र नहीं है, ये अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर रही है, इसकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, आप हैं या नहीं हैं, आपको इस तरीके की या तो स्टॉक करके, कहीं ना कहीं स्टॉकिंग एनर्जी हो सकती है, आपको स्टॉक करके ये वाइब्रेशन, ये फीलिंग्स फील हो रही हैं, किस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके इस रिश्ते में होने ना होने से। ठीक है, राइट नाउ इस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, ये पर्सन मेरे व्यूअर को लेकर फील क्या कर रहा है, आपके पार्टनर, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्रॉस रोड पे हैं, ये पर्सन नहीं जानता इसको क्या करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप काफी कोल्ड हुए हैं, ये पर्सन भी एक एम्परर की एनर्जी में है। ठीक है, बहुत डोमिनेटिंग काइंड एनर्जी है, ये आपको डोमिनेट करना चाहता है। ठीक है, अपने आपको कंट्रोल में रखने की पूरी पूरी कोशिश करेगा ये। ठीक है, यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड्स, इसको नहीं पता इस रिश्ते में क्या हो सकता है क्या नहीं, मुझे फीलिंग्स नहीं दिख रही। ठीक है, सॉरी टू से, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर, या इमोशंस फील कर रहा है, या इमोशनली इन्वेस्टेड है। ठीक है, ओके, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस रिश्ते में, वेट, आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आप चाहते हैं, आप अगर आप ये आपकी एनर्जी आप होल्ड बैक करके रखेंगे तो यहाँ पे ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, एक्शन लेगा, आपको तो ऐसा लग रहा है इस पर्सन को नहीं समझ में आ रहा है इसको क्या करना चाहिए, आपने खुद को होल्ड बैक करा हुआ है, आप इसकी तरफ से किसी मूवमेंट, किसी एक्शन का वेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इस नो कॉन्टैक्ट को कॉन्टैक्ट मैंने कहा तो इसने ब्लॉक करा हुआ है, तो आप इस पर्सन की तरफ से एक अनब्लॉक होने का वेट कर रहे हैं, इस पर्सन की तरफ से किसी एक्शन का वेट कर रहे हैं, टू ऑफ कप्स का वेट कर रहे हैं, आप मिस कर रहे हैं इसको। ठीक है, लेकिन आप इसकी तरफ से एक्शन चाहते हैं, एक होपलेस है आप, एक होपलेस हो चुके हैं आप इस रिश्ते को लेकर, या इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करते करते आपको ऐसा लगता है कि शायद आपने गलत जगह इन्वेस्ट किया, आप साइलेंट जरूर हैं लेकिन आप चाहते हैं इस पर्सन की तरफ से आप एक मतलब कि ये डिटरमाइन होना चाहिए, ये आपके लिए एक्शन ले, आपके लिए मूवमेंट करे, ये कब तक आप इस रिश्ते को एक अकेले इस रिश्ते को निभाते रहेंगे, या इस रिश्ते को पूरा करने के लिए स्ट्रगल करते रहेंगे, आपको ऐसा लगता है। ठीक है, ओके, ये पर्सन क्रॉस रोड पर है, ब्लाइंड फोल्डेड है, इसको नहीं दिख रहा इसको क्या करना चाहिए, इसको अपना, इसको ये भी नहीं दिख रहा कि आप हर्ट हैं या पेन में हैं, आपने खुद को कोल्ड जरूर कर लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है आप स्ट्रांग होके बैठे हुए हैं, आप एक स्ट्रांग पावर में हैं। ठीक है, आप एक मतलब कि आप डेस्परेट नहीं है, आप चेस नहीं कर रहे, आप एक चेजिंग एनर्जी नहीं है, आप जैसे कि बैलेंस और थम गए हैं आप। ठीक है, अपने आपको, आप आपके ऊपर अपना बस चल रहा है। ठीक है, ये वाली एनर्जी है। ठीक है, आप अपने आप को समझ रहे हैं, आप चाह रहे हैं अपनी जिंदगी में ये पर्सन आए, ये इक्वल गिव एंड टेक करे, इस नो कॉन्टेक्ट को एंड करे, ये जो एक आपके एक मतलब के इसके पास ऑप्शन है, लेकिन ये एक इसको इसको पता है कि आपके पास आ सकता है अभी भी, अगर कुछ हो भी गया है तो आप अभी भी ऐसा ऑफर, ऐसा एक्शन, या ऐसी आपने एक एक डोर ओपन करा हुआ है कि पर्सन आ सकता है, आप शो कर रहे हैं कि आप अभी भी एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जैसे कि नर्वस, कंफ्यूज, इसको नहीं पता इसको क्या करना है, इस रिश्ते में क्या चाहिए। ठीक है, ओके, आप मूवमेंट चाह रहे हैं, आप मूवमेंट, एक्शन, कोई ना कोई 7-7 की एनर्जी, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, काफी
लेसन्स यहाँ पे रहे हो सकते हैं आपके, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है, ठीक है। सृष्टि को ट्रांसफॉर्म होना जरूरी है। आप तो अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, आप तो अपने आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने ऊपर अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, मैजिक, ठीक है। अल्कमी, यहाँ पे एक स्पार्क इसलिए खत्म हो चुका है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। एक तरफ से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, या एक तरफ से एक एक परला भारी है, और एक दूसरा दूसरा इंसान जो है ना बस बोल रहा है दे दो मुझे, ठीक है, और इन्वेस्ट कर दो, मुझसे मांगो नहीं। जैसे कि आप डिमांडिंग हो जाते हैं तो ये पर्सन आपसे भागता है। आप डिमांड में मत आए, आप डिमांडिंग मत बने, आप बस इन्वेस्ट करते रहे, आप डिमांडिंग मत बने। ये वो वाली एनर्जी है, डिमांड मत करो मुझसे, डिमांड में मत आओ, मेल या फीमेल। इसका इस तरीके का आपको एक इस तरीके का इसका एक इंटेंशन या इस तरीके का इसके एक्शंस होते हैं कि मुझसे डिमांड मत करो, ठीक है। और ये रिश्ता एक ट्रांसफॉर्मेशन से कि डिवाइन पुश कर रहे हैं, आप अभी भी शायद और वेट कर लेते, लेकिन सर्कमटेंसेस ऐसे क्रिएट हो चुके हैं जैसे कि डिवाइन कह रहे हैं कि इस रिश्ते का ट्रांसफॉर्म होने का टाइम है, ठीक है। कंफर्ट, हेल्थ, ये हेल्दी रिलेशनशिप नहीं रहा है, काफ़ी इन एंड आउट रहा है, काफ़ी डिसेप्टिविटी, टॉक्सिसिटी, आपसे बहुत सी चीज़ें हाइड करी हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ, यहाँ पर जैसे कि कुछ चेंज होने की ज़रूरत है, कुछ यहाँ पर एयर को क्लियर होने की ज़रूरत है, यहाँ पर कन्फ्यूजन को क्लियर होने की ज़रूरत है। स्पीक योर वर्ड वाइज, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसा हो सकता है काफ़ी, मतलब कि आपने कुछ उसको ऐसा कहा है, या तो आप एक मतलब कि आपकी यहाँ पर वॉइस, यहाँ पर कुछ ना कुछ, यहाँ पर आपकी वॉइस से कोई ना कोई कनेक्शन है, ठीक है। स्पीक योर वर्ड्स, ठीक है। फ्री, आपको कहा जा रहा है आप एक एक मोटिवेट करने वाला इंसान है, आप फ्री करें अपने सेल्फ को इस वेट से, इस क्रॉस रोड से, इस कनेक्शन की, इस कनेक्शन से आप अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस एक्सपेक्टेशन से खुद को फ्री करें, ठीक है। सॉलिट्यूड, इनर कोर, ठीक है, यहाँ पर आपको फ्री करना ज़रूरी है अपनी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी हेल्दी लाइफ के लिए, अपने अपने आप को इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से, अपने आप जो आपके दिमाग में इस कनेक्शन को लेकर होप्स है ना, उनसे फ्री हो, ठीक है। ये नहीं कह रहे कि ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है, नहीं, ये आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है, ये आपके लिए ज़रूरी है, इस कनेक्शन के लिए ज़रूरी है कि आप मेंटली इस रिश्ते से फ्री हो, आप अपने आप को डेप्थ लाए, ठीक है। आप काफ़ी डीप पर्सन हैं, डीप डाउन आप कनेक्टेड फील करना, डीप डाउन इमोशंस रखना, क्रिएट, आपको कहा जा रहा है कुछ क्रिएट करें, यहाँ पे कुछ न्यू क्रिएट कर सकते हैं, आप एक क्रिएटिव पर्सन है, ठीक है। वाटर, डार्क डार्क मैटर, मिस्ट्री रही है, कोई ना कोई मिस्ट्री रही है, इस पर्सन ने क्या क्या करा आपको नहीं पता। द सोल पैशन, ठीक है, यहाँ पर काफ़ी आप सोल से कनेक्टेड रहें, इमोशनल रहें, द रॉक बॉटम, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी मतलब कि कैसा रहा है ये पर्सन, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, आप बहुत टाइम से न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, आप इस पर्सन के साथ स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट, आप एक लॉन्ग टर्म पर्सन, एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप वाले इंसान हैं, ठीक है, आप बिगनिंग्स चाहते हैं। डार्क मून, कुछ यहाँ पर हिडन है, इस पर्सन ने आपसे बहुत सी चीज़ें हाइड करी, बहुत सी चीज़ें छुपाई। डिसिप्लिन, इस रिश्ते में डिसिप्लिन नहीं था, मैंने कहा ना ये डिसिप्लिन वाला रिश्ता नहीं था, एक पर्सन दिए जा रहा है और एक पर्सन लिए जा रहा है, एक पर्सन को पता ही नहीं उसके इमोशंस कितने हर्ट हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन थोड़े से एक सेल्फिश टाइप एनर्जी में है, ठीक है, आपके पार्टनर के अंदर एक सेल्फिशनेस है, आपके पर्सन अपने कंफर्ट को, अपने अपने आप को कंफर्टेबल रखते हैं, अपने अपने कंफर्ट को ज़्यादा सोचते हैं। एक आपके पर्सन को ऐसा लगता है उनका सेल्फ उनके लिए इंपॉर्टेंट है, उनका सेल्फ वो क्या कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, थ्री कार्ड्स, और एक्शन क्या ले सकते हैं, थ्री कार्ड, ठीक है, ओके। फीलिंग्स, योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर पार्टनर। कोल्ड, डिटैच, ब्लंट, ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी, स्टेबल, आप यहाँ पर स्टेबिलिटी कुछ मांगेंगे, बिल्कुल, ये पर्सन इसलिए कोल्ड हुआ हुआ है ताकि आप इस पॉइंट पर बात ही ना करें, स्टार्टिंग भी यहीं से हुई थी, एक मतलब कि आप यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग की बात ना करें, स्टेबिलिटी की बात ना करें, एक स्टेबल, ये पर्सन कोल्ड होकर इसलिए बैठा हुआ है, आप मतलब किस लिए नो कॉन्टैक्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ हुआ है, क्योंकि आप यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात ना करें, न्यू बिगिनिंग की बात ना करें, क्योंकि आप एक स्टेबिलिटी, मैरिज और कमिटमेंट चाह रहे हैं। एक्शन क्या हो सकता है, गोस्ट करने वाला है, मुझे एक्शन में कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही, कॉन्टैक्ट में नज़र नहीं आ रहा। ये पर्सन काफ़ी एक स्मार्ट पर्सन है, काफ़ी क्लैवर पर्सन है, ठीक है, स्मार्ट नहीं, क्लैवर बोलेंगे, आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, फ्यूचर में इस रिश्ते के बारे में ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप आगे आने वाले टाइम में भी विश करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक डिसिप्लिन लाएं, ठीक है, ये डिसिप्लिन वाला रिश्ता नहीं है, आप देखें तो एक एक रेड फ्लैग्स है इस रिश्ते में, ठीक है, आपको समझना चाहिए कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके सामने और आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, रेड फ्लैग्स हैं आपके रिलेशनशिप में।
एक ऐसी चीज है जो आपको अंडरस्टैंड करनी जरूरी है। कोई ना कोई नेगेटिविटी हो रही है, आपके पर्सन का बिहेवियर, आपके पर्सन के एक्शंस आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पर्सन क्या कर रहा है, क्या चाह रहा है। आपका ड्रीम कैन ऑफ कप से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं आप इस रिश्ते को, आप एक सोल से कनेक्टेड हैं, आप इस पर्सन से प्रैक्टिकल, एक प्रैक्टिकल एक्शन चाहते हैं इस पर्सन के साथ। अगर इस पर्सन ने कुछ प्रोमिस करें तो वो रॉन्ग प्रोमिस हैं जिनको ये पूरा नहीं कर पा रहा। शायद ये आपको हमेशा यही प्रॉमिस करके आपकी लाइफ में एंटर करता है, या हमेशा आपकी ज़िंदगी में यही सब कुछ सोच कर आता है, या आपको ये मैरिज देगा, कमिटमेंट देगा, स्टेबिलिटी देगा, फ्यूचर देगा, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं कर पाता। ठीक है, ये इस तरीके की चीज़ों को नहीं सोच पाता या इस तरीके की चीज़ों को कर ही नहीं पाता। आपकी विश है स्टेबिलिटी, यहाँ पे ये रिश्ता एक साइलेंट ट्रीटमेंट जो आया है स्टेबिलिटी ना होने की वजह से, डिस्टेंस, यहाँ पे कमिटमेंट की बात, कमिटमेंट पे बात ना आए। ठीक है, ये पर्सन कमिटमेंट की, जैसी कमिटमेंट की बात होती है डिस्कनेक्ट हो जाता है, या यहाँ पर एक डिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर और भी कुछ हो सकता है जो आपसे हाइड कर रहा है। आप जैसे कि कुछ ना कुछ है जो एक डार्क मिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है एक डिसिप्लिन, अपने साथ एक डिसिप्लिन लाएं, स्पीक योर वर्ड्स, जो आप वर्ड्स कहते हैं उसके ऊपर ध्यान दें, या तो आप जो वर्ड्स कहते हैं शायद आप दूसरों को बहुत गाइडेंस दे देते हो, लेकिन उन वर्ड्स के ऊपर आप खुद बैलेंस नहीं कर पा रहे, उन वर्ड्स को खुद निभा नहीं पा रहे, उन वर्ड्स के ऊपर खुद आप अमल नहीं कर पा रहे। ठीक है, एक स्पीक योर वर्ड्स, आपके वर्ड्स में आपको शायद आपके सवालों का जवाब मिल जाए। ठीक है, शायद आप कुछ बोलें और जैसे कि अनएक्सपेक्टेड बोलें और वही आपके सवालों के जवाब आते हों। ठीक है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। आप बहुत सोल से, एक आपकी सोल बहुत प्योर सोल है। ठीक है, आप एक मेल हैं, फीमेल हैं, आप किससे मैरिज हुई हुई थी, आप वो रिन्यू करना चाह रहे हैं, या आप मैरिज या कमिटमेंट चाह रहे हैं। ये पर्सन आपके एक मैार का नहीं है। ठीक है, आपके कंपैटिबल नहीं है, या आपकी कंपैटिबिलिटी को, आपके कंपैटिबिलिटी वाला इंसान नहीं है। ठीक है, इस बात को समझें। इस वीडियो को यहीं पर रख, अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।